बॉलीवुड एक्ट्रेस यमी गौतम ने डायरेक्टर आदित्य धार के साथ शादी करके सभी को हैरान कर दिया है। यमी और आदित्य की शादी से ना सिर्फ केवल फैंस बल्कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी शॉक्ड रह गए हैं। आखिर हो भी क्यों ना, यमी ने अपनी शादी तो चुराई, आदित्य के साथ अपने रिलेशनशिप की भनक भी किसी को नहीं पड़ने दी थी। खैर, यमी और आदित्य अपनी जिंदगी की नई फेज की शुरुआत कर चुके हैं और आज हम आपको बताएंगे कि दोनों कब, कहां और कैसे मिले और आखिर दोनों के बीच प्यार कैसे हुआ। फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक साल 2019 के सबसे सुपरहिट फिल्म में से एक थी। इस फिल्म को आदित्य धार ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म ने जहां आदित्य धार को बेस्ट डायरेक्शन के लिए नेशनल अवार्ड दिलवाया, तो वहीं यमी गौतम की जिंदगी की एक नई शुरुआत होने की फील हो गई, क्योंकि इसी फिल्म के सेट पर यमी गौतम ने अपने लव वन आदित्य धार से पहली मुलाकात की थी। यमी और आदित्य पिछले 3 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अब जाके दोनों की लव स्टोरी का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों मूवी से पहले ही एक दूसरे के टच में थे, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। यमी और आदित्य पहले अच्छे दोस्त बने, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे, लेकिन दोनों ने कभी अपने रिश्ते को पब्लिक नहीं किया और ना ही इसके बारे में किसी को कानो कान खबर होने दी। यहाँ तक कि उड़ी के किसी भी क्रू मेंबर्स को भी दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं चला। यही वजह थी कि उनकी शादी की खबर सबको सरप्राइजिंग लगी। फिलहाल तो यमी अपनी लाइफ पार्टनर आदित्य धार के साथ जिंदगी के नए फेस में एंटर कर चुकी हैं और हमारी यही दुआ है कि दोनों अपनी मैरिड लाइफ में खुश रहें। वैसे आपको दोनों की लव स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।